सबसे पहले पीएस परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को 78वां स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएसटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में विदेशी एनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, जो आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, विदेशी आयोग की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विदेशी एनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आई है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो विदेशी एनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसिलिंग के आधार पर क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे। दोस्तों सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 ही एसएलपी फाइल किया गया और फिर से अब 5 एसएलपी किया गया। ये 5 एसएलपी कौन किया है? नाइट में ही सुरजीत सर मैसेज के माध्यम से 32127 सैन्य बहनों को अपडेट दे चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले सुरजीत सर का मैसेज हम आपको दिखा रहे हैं। तो सुरजीत सर मैसेज के माध्यम से 32127 सैन्य बहनों को क्या अपडेट दिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले सुरजीत सर का मैसेज हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों नाइट में ही सुरजीत सर का मैसेज मेरे पास आ गया था। सुरजीत सर नाइट में ही 32127 सैन्य बहनों को मैसेज के माध्यम से अपडेट किए थे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 ही एसएलपी किया गया था और फिर से अभी 5 एसएलपी किया गया। ये 5 एसएलपी कौन किया है, इसी को लेके सुरजीत सर नाइट में ही मैसेज के माध्यम से 32127 सैन्य बहनों को अपडेट किए थे। तो चलिए इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, जो 5 एसएलपी फिर से कौन किया है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए आवश्यक सूचना, आप सभी को सूचित करते हुए बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में पहले 3 एसएलपी की गई थी, जिसमें अंजलि कुमारी, डिम्पल कुमारी, पूजा कुमारी का एसएलपी एक दूसरे से टैग था। अब जो उसके बाद 5 एसएलपी और हुआ सरकार को लेकर, सभी को एक जगह टैग कर दी गई है और जो एआई फाइल के 8 की गई थी, जिसको इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन बोलते हैं, उसे अलाउ की गई है। एआई का फुल फॉर्म होता है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन बोलते हैं, उसे अलाउ की गई है। यानी अब सभी नोटिस हो गई है, अब सभी की सुनवाई एक साथ 4 सप्ताह बाद होगी। जैसे पटना हाई कोर्ट में 6 एलपीए को एक साथ टैग कर चीफ जस्टिस सर सुनवाई एक बार फाइनल किए और जजमेंट दिए, सेम उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में भी किया जा रहा है। दूसरी बात समझ ले, जब तक किसी की एप्लीकेशन अलाउ नहीं होगी तब तक उसे कारण बताओ नोटिस जारी नहीं होती। उसी प्रकार ये भी समझे कि सभी को एप्लीकेशन अलाउ हुई है और सभी को नोटिस जारी की गई है कि 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। चलिए आगे बताते हैं। इसीलिए अब समझे कि केस फाइनल स्टेज पर है। जिस प्रकार हाई कोर्ट में अंतिम दिन 4 घंटे बहस हुई थी, अब सुप्रीम कोर्ट में भी अंतिम दिन बहस दोनों पक्ष में होगी और विपक्षी को हाई कोर्ट के ऑर्डर को गलत साबित करनी होगी और हम लोग के वकील को ऑर्डर को सही साबित करनी होगी। जो साबित करेगा उसे जीत मिलेगी, इसीलिए उसमें कोई खास बात नहीं है। हम लोग अपने मिशन में लगे और 4 सप्ताह बाद उसका प्रतिफल का इंतजार करें, इसीलिए सभी लोग बखूबी सोए, कोई बात नहीं है। शुभरात्रि सुरजीत कुमार संयुक्त मंत्री, जो कि देख लीजिए सर का मैसेज आया था, ठीक है, नाइट में ही आया था और मेरे पास तो मैसेज 6:53 में लोगों को द्वारा भेजा गया और सर नाइट में ही मैसेज किए थे ग्रुप में, तो समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों सुरजीत सर के मैसेज को आप लोग देख लिए, पढ़ लिए, समझ में आ गया है, जो नाइट में ही सुरजीत सर 32127 सैन्य बहनों को मैसेज के माध्यम से अपडेट कर दिए थे, जो सभी केस को अब मर्ज कर दिया गया और 4 सप्ताह बाद सभी केस की सुनवाई होगी। इसलिए आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच में याद कीजिए, जो सभी केस को मर्ज करने के बाद 18 अप्रैल को वह दिन था जो 4 घंटा बहस हुई थी। 4 घंटा बहस होने के बाद केस को रिजर्व रखा गया था, उसके बाद 29 अप्रैल को हम लोग को फाइनल जजमेंट आई थी।
बस सेम यहाँ पे भी सभी केस को मर्ज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी और उसके बाद सुनवाई के बाद आपको फाइनल जजमेंट दिया जाएगा। सुनवाई के बाद केस रिजर्व हो जाएगी, उसके बाद फाइनल जजमेंट दिया जाएगा। और अभी 12 बजे हमारे सुरजीत सर बब्बर से लाइव आ रहे हैं, तो सारी जानकारी एक ही प्रश्न के जवाब हमारे बब्बर से देने वाले हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट 12 बजे लाइव आना नहीं भूलेंगे। कल क्या कारण था जो लाइव सर को नहीं ले पाए वो तो हम आपको बता ही दिए थे। जो मेरे दोस्त के एक्सीडेंट हो गया था, लाइव आने से ज़्यादा उसकी लाइफ प्यारा था, ठीक है, इसलिए उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। एक्सीडेंट हो गया था इसलिए सूजी सर को लाइव नहीं ले पाए थे, ठीक है, क्योंकि लाइव तो हम कल भी ले सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, मगर लाइव एक बार मान लीजिए उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाता तो इम्पोर्टेंट उस समय उसका लाइव था, इसीलिए उसको लाइव छोड़ के हॉस्पिटल ले गए थे, ठीक है। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट 12 बजे लाइव आना नहीं भूलेंगे। आज सुरजीत सर एक एक प्रश्न के जवाब देने वाले। जो भी सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ झूठ को परोस रहा है, आज सारे लोगों के पर्दाफाश हमारे सुरजीत सर करने वाले हैं, एक एक प्रश्न के जवाब देने वाले। जो भी लीडर आके बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में किसकी जीत हुई किसकी हार हुई, वो आज फिर से गायब हो जाएंगे, आज फिर से गायब हो जाएंगे। सोशल मीडिया पे दर्शन नहीं उन लोग को जो है ना मिलेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के द्वारा झूठ को सोशल मीडिया पे परोसा जा रहा है, ठीक है। और आज हमारे सुजीत सर सारे लोगों को पर्दाफाश करने वाले हैं, जितना भी विरोधियों है, विरोधी से लेके जितना भी विरोधियों को, सभी को फिर से आज झूठ के पर्दाफाश करने वाले। इसलिए सभी स्टूडेंट 12 बजे ससमय लाइव आना नहीं भूलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि 12 बजे सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएंगे। और अभी तक क्लास नहीं लिए तो बाबू क्लास ले लीजिए, बार बार हम कह रहे हैं, क्योंकि अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसीलिए सभी स्टूडेंट हम अपना जो है स्कैनर दे दिए हैं, नंबर दे दिए हैं, सभी लोग 499 गूगल पे या पेटीएम कीजिए, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। टोटल 14 क्लास हो चुकी है, आज 15वां क्लास होगी। ये क्लास तो 14 आपको मिलेगी ही मिलेगी, और जो रेगुलर क्लास हो रही है वो क्लास तो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट क्लास नहीं लिए हैं, क्लास परचेज कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको कर रहे हैं, फिर बाद में वैकेंसी आ जाएगी, फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद सोचेंगे जो क्लास करना तो इम्पॉसिबल, क्योंकि टेक्निकल प्रश्न है। इसलिए सभी स्टूडेंट क्लास ले लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे ही 12 बजे लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।